नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आगरा थाना जगदीशपुरा इलाके के सेक्टर 4 में सुबह एक पॉलिटेक्निक की छात्र का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। छात्र के शव को देखने से ऐसा लग रहा था कि छात्र ने कमरे में 2 दिन पहले सुसाइड किया हो, क्योंकि छात्र का पूरा शरीर पूरी तरह से गल चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल छात्र दिलीप कुमार आगरा दयालबाग डीम्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक का छात्र था। 4 दिन पहले दिलीप के परिजन इटावा के एक शादी समारोह में गए थे। दिलीप के पिता आर्मी में हैं। आज जब नीचे रह रहे किराएदार ने ऊपर दिलीप से समरसेबल चलाने की आवाज लगाई तो ऊपर से कोई आवाज नहीं मिली। जब किराएदार ऊपर गया तो कमरे से बदबू आ रही थी और कमरे से कोई आवाज भी नहीं आई। उसने इसकी जानकारी दिलीप के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो हैरान रह गए। दिलीप फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि पड़ोसियों का कहना है कि 2 दिन से दिलीप के कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी और वो दर्द भरे गाने सुन रहा था। हालांकि अभी तक दिलीप की सुसाइड की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। उनके बारे में देखो, ऐसा है, मेरा मैं क्षेत्रीय बाढ़ 69 की पार्षद कल्पना शिकरवार उनका पति हूँ। एक क्षेत्रीय पार्षद पति होने के बाद, जबकि बाढ़ 46 लग रहा है, मेरे को कुछ लोगों की सूचना मिली कि पार्षद जी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और दिलीप के जो घर वाले शादी में गए हुए हैं। तुरंत मौके पर मैं आया, लेकिन मैं गया तो जब लकड़ी का अंदर जो अंदर से गेट है वो बंद था और गले में जो रस्सी टाइप की जो थी वो लटकी हुई थी और नीला मतलब पूरा चेहरा पड़ा हुआ था, ब्लड निकल रहा था। लेकिन तुरंत मैंने चौकी इंचार्ज को सूचना दी और उनके घर वालों को, जो किराएदार रहते हैं, उनके घर वालों सूचना दी। घर वाले आकर उन्होंने देखा कि इस तरीके कुल मिला के बाद कम से कम जो बॉडी जहां तक जिसने कल उसने आत्महत्या सुसाइड की है इसने। परिवार वाले बाहर थे, हाँ, शादी में गए हुए थे और लड़के के पिता हैं जो दलवीर सिंह, वो आर्मी में हैं और लखनऊ पोस्टेड हैं वो। नहीं, कोई सुसाइड नोट वगैरह, लेकिन समय लगभग 22 साल के होने के बाद में क्या कोई सुसाइड वगैरह नोट नहीं, लेकिन फोन में भी हमने कुछ जानकारी कुछ ऐसा नहीं पता नहीं। एक सिर्फ गाना चल रहा था और वही रिपीट हो रहा था। तो गाना कौन सा था? लेकिन गाने ये सुन, मैं तो नहीं सुना, लेकिन बता रहे जो किराएदार थे बता रहे हैं जो। नहीं, तनाव कुछ घर वालों का कहना, घर वालों से बात हुई क्या, कोई कार्रवाई नहीं। अब जब हमारा बेटा के चला गया, कोई हम पोस्टमार्टम के बारे में भी बात की गई कि क्या हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, हमारा लड़का नहीं रहा तो मतलब जो क्या पोस्टमार्टम कराए। लेकिन हम पे कोई किसी की ऐसी कोई बात कि उसने किस आधार पे किसने किया, लेकिन कुछ मानसिक क्या टेंशन ले बैठा, अब ये ऊपर वाले के हाथ में। संजू सेक्टर 4 में एक युवक द्वारा आत्महत्या की गई है, इसके कारणों की जांच की जा रही है। परिवार जन इसके बाहर गए हुए थे, उनके आने पर विधिक कार्रवाई की गई। कौन है आदमी, किस तरह से? ये पॉलिटेक्निक का छात्र है, इसके इसने किन कारणों से आत्महत्या की है इसकी जांच की जा रही है। इसका पता नहीं क्या था मामला। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।